नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर उसके शासनकाल में हुए विभिन्न घोटालों को लेकर हमला बोला और उस पर वीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में पैसे बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दिनों आप टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों में देखते हैं, उन लोगों ने हेलीकॉप्टरों की खरीदी में पैसे लिए। यह बात हम नहीं कह रहे, इटली की एक अदालत यह कह रही है। कांग्रेस या उसके नेताओं का नाम लिए बिना मोदी ने रविवार को कन्याकुमारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कोयला ब्लॉक आवंटन 2G और 3G में बड़े लोग यहाँ तमिलनाडु में मौजूद है जो भ्रष्टाचार में शामिल थे, पूरा देश इसके बारे में जानता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लोगों से विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ट्रंप ने कहा, दुष्ट है हिलेरी, पति से संबंध रखने वाली महिलाओं को किया बर्बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन पर पूरी तरह से व्यक्तिगत हमला शुरू करते हुए कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ अपने पति के दुर्व्यवहारों में अविश्वसनीय रूप से दुष्ट महिला रही है। इस बयान से एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विवाहोत्तर संबंधों का मुद्दा उठ गया है। ओरेगन में एक रैली में ट्रंप ने यह टिप्पणियां की। ट्रंप ने हिलेरी के बारे में यह कहा कि वह इन महिलाओं के पीछे जाएंगी और उनका जीवन बर्बाद कर देंगी। उन्होंने कहा कि वह अविश्वसनीय रूप से दुष्ट है और उन्होंने उन कई महिलाओं के खिलाफ जो किया वह शर्मनाक है। हिलेरी के प्रचार अभियान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, जिसने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नवम्बर के आम चुनाव में ट्रंप का सामना हिलेरी से होने की संभावना है। मालिक ने पत्नी को भगाया तो 40 दिन में खोद डाला पत्नी के लिए कुआं। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर वासिम गांव में 35 साल के रहने वाले बापूराय ताजने ने अपनी पत्नी संगीता के लिए 40 दिन में कुआं खोद डाला। दरअसल इस इंसान की पत्नी अपने घर से दूर किसी और के कुएं में पानी लाने जा पहुंची तो कुएं के मालिक ने उसे फटकार लगाते हुए भगा दिया। पत्नी का अपमान बापूराय ताजने से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी की बदनामी का बदला लेने के लिए फौरन घर के बाहर ही कुएं की खुदाई शुरू कर दी। वो करीब 40 दिन तक लगातार खोदता रहा और जब तक कि जमीन का कलेजा इस संकल्प के आगे पिघल न गया। जब जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ तो बापूराय की खुशी का ठिकाना न था। बापूराय की कहानी पत्नी प्रेम में पहाड़ चीर कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी की यादें ताजा करती है।